हेलो गाइस, वेलकम टू रकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 20,000 का और आप कंफ्यूज हो कि भाई आज की डेट में इंडिया में कौन से स्मार्टफोन को परचेस करें, तो आज की स्टूडियो में मैं आपका सोल्यूशन लेके आ चुका और आपको बताने वाला पांच बढ़िया सी स्मार्टफोन जो कि 20,000 की रेंज में जुलाई 2020 में सबसे बेस्ट डील है। क्या प्रोज मिलते हैं, क्या कॉन्स मिलते हैं, सारी चीजें क्लियर करके रखने वाले। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2,000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So friends, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस जो कि फ्लिपकार्ट पे 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, उसके सारी डिटेल्स आपको बता दिया था। क्या एक्जैक्टली में 100% कंफर्म स्पेक्स मिलेंगे, प्राइस पॉइंट मिलेंगे, कब आने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो 6-7 हज़ार के बजट वाले स्मार्टफोन के लिए, तो डेफिनेटली उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अब नंबर 5th पोजीशन पे जो हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है, ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M31। प्राइस पॉइंट अभी आप 664 का देखोगे तो अराउंड आपको 16,500 रुपए का देखने को मिलता है। बट स्टिल जो सैमसंग लवर्स है और या जिसको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेस करना है, तो वो लोग यहां पर इसकी तरफ देख सकते हैं। काफी बढ़िया स्मार्टफोन है क्योंकि यहां पर आपको डिजाइन ठीक ठाक देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट वाला। साथ में डिस्प्ले यहां पर आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 664 से स्टार्ट होता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 32 की सेल्फी है, तो कैमरा परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। और साथ में आपको एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट मिल जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे बेस्ट है, बट ठीक है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट चिपसेट आप इसे बोल सकते हो। साथ में 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल काफी एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। जो लोगों को भी सैमसंग का स्मार्टफोन परचेस करना, आई डोंट थिंक सो कि 16,500 रुपए में इससे बेटर सैमसंग का स्मार्टफोन आपको आज की डेट में मिलेगा। और कॉन्स की बात करें तो सिर्फ आपको जो डिजाइन है वो काफी मतलब एकदम से पुराने टाइप का देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम डेड, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। सैमसंग लवर हो, 16,500 का बजट है, डेफिनेटली जाके जो M31 को परचेस कर सकते हो। सो गाइस, 4th नंबर पे जो हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है, ये आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। कुछ दिन पहले यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। जो बेस वेरिएंट है वो आपका 6128 से स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट बढ़ के हो चुकी है 17,500 रुपए, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट स्टिल काफी बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपको डिजाइन काफी बढ़िया देखने को मिलता है, हाँ पॉलीकार्बोनेट बैक जरूर है। साथ में जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक बेजल लेस फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी अच्छे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। साथ में यहाँ पर 6128 मिल जाता है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है क्या, बेस वेरिएंट यहां पर से स्टार्ट होता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, एज वेल एज स्नैपड्रैगन का 730G है, तो परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है, एज वेल एज 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 16 का पॉपअप सेल्फी कैमरा यहां पर आपको देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा डिसेंट है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं, डिसेंट इनफ आपको जो है आउटपुट दे देती है। साथ में स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए रहता है, उनको स्किन नहीं चाहिए, तो वो लोग यहां पर इसे देख सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 18W फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो कुल मिला के काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, और आपको मोटरोला की ब्रांड वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली यहां पर ये स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बैक है, उसकी जो बैक पैनल है वो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं बताऊं तो। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है कैमरा वगैरह थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो लो लाइट में स्ट्रगल करता है, बाकी इसको छोड़ दोगे तो डेफिनेटली जो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में बेजल लेस स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को देख सकते हो, काफी बढ़िया डील है। सो गाइस, तीसरे नंबर पे जो हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है, ये आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। जी हाँ, जब लॉन्च हुआ था काफी कम प्राइस पॉइंट ही, अभी अराउंड आपको जो 664 वाला वेरिएंट है 17,500 रुपए या 17,000 रुपए तक के आपको देखने को मिल जाता है, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट स्टिल काफी डिसेंट ऑप्शन आप इसे बोल सकते हो। एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इन हैंड फील काफी जबरदस्त रहने वाला है। साथ में 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में आपको बड़ा से डिस्प्ले मिल जाता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो डिस्प्ले क्वालिटी पर्सनली मुझे इसकी काफी बढ़िया लगी थी, लेकिन हाँ 90Hz का एमोलेड रहता तो बढ़िया रहता है, लेकिन डिस्प्ले ठीक ठाक है, 60Hz के हिसाब से आप देखोगे तो डिसेंट इनफ है। साथ में 664 से यहां पर ये भी स्टार्ट होता है, और एसडी कार्ड का स्लॉट आपको अलग से मिलता है UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ में। साथ में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, एंड कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है 20,000 की रेंज में,
तो कैमरा परफॉर्मेंस नोट 9 प्रो मैक्स का काफी एक्सीलेंट है, साथ में स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिल जाता है जो कि परफॉर्मेंस वाइज काफी स्टेबल चिपसेट है, एज वेल एज यहां पर आपको 5020mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर वगैरह का फीचर मिल जाता है, तो कुल मिला के जबरदस्त स्मार्टफोन है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन। अगर आपको रेडमी की तरफ से परचेज करना है डेफिनेटली नोट 9 प्रो मैक्स को जाके परचेज कर सकते हो। कॉन्स की बात करें तो यार एड्स वगैरह देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पर आप बोल सकते हो थोड़ा कौन है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजें आपको बढ़िया सी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो गाइस जो दूसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है, ये आता है रियलमी की तरफ से रियलमी X2। हाँ मुझे पता है थोड़ा यहाँ पर इसे लॉन्च होकर टाइम हो चुका है, अब यहाँ पर इसका जो बेस वेरिएंट है 464 अराउंड आपको 18,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है, एंड स्टिल यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफी बढ़िया है, प्रीमियम है, साथ में डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। हाँ 90Hz वगैरह नहीं है लेकिन स्टिल एमोलेड डिस्प्ले यार, मतलब ये प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम ब्रांड प्रोवाइड कराता है तो ये चीज काफी बढ़िया है। साथ में 464 से यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, वो चीज भी यहाँ पर ठीक ठाक है। साथ में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया आपको स्टेबल चिपसेट है, परफॉर्मेंस वाइज भी काफी बढ़िया है, 64MP का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 32 की सेल्फी है, तो कैमरा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा रेयर कैमरे का यहाँ पर आउटपुट काफी जबरदस्त है। हाँ सेल्फी आप बोल सकते हो इतनी कुछ खास नहीं है 32MP के हिसाब से, साथ में आप रियलमी UI वगैरह पे यहाँ पर ये रन करता है, 4000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको 30W की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो कुल मिला के जबरदस्त स्मार्टफोन। अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, रियलमी आपको पसंद है और आपको एक AMOLED डिस्प्ले के साथ में स्मार्टफोन परचेस करना था तो जबरदस्त स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें बेसिकली ऐसा कुछ बड़ी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ एक कमी अगर आप फोन में देखते हो तो सेल्फी कैमरा जो 32MP दिए उसके हिसाब से जो आउटपुट आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स है, तो वो चीज अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो डेफिनेटली जो X2 परचेस कर सकते हो, AMOLED डिस्प्ले के लवर हो तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस कर ही ले रहे हैं, चलिए फिर भी मैं 3 सेकंड का वेट कर लेता हूँ आप लोगों तक के गैस करने के लिए कि भाई आप सही गैस कर पा रहे हो या नहीं, बिना चीटिंग के वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ आपको क्या लगता है नंबर 1 स्मार्टफोन कौन सा रहेगा 20,000 की रेंज में। 3, 2, 1 आई होप के बिना चीटिंग के आपने कमेंट कर दिए रहेंगे। और नंबर 1 स्मार्टफोन जो है वो है पोको X2। जी हाँ जब आया था जब काफी मतलब चीप में और वैल्यू फॉर मनी था, बट स्टिल अभी 17,500 रुपए में जो आपको 664 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है एंड वो प्राइस पॉइंट पे भी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इसको कोई स्मार्टफोन जो है कंप्लीटली बीट कर सकता है, नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इसमें फीचर्स इतने आपको भर भर के दिए हुए, बिल्ड और डिजाइन यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिल जाता है, फ्रंट बैक एक्चुअल ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में, तो इन हैंड फील वगैरह डिस्प्ले काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डुअल पंच होल के साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट वाले एक IPS पैनल देखने को मिलता है, AMOLED वगैरह नहीं है होता अच्छी बात है लेकिन IPS में भी 120Hz कोई भी ब्रांड आज की डेट में प्रोवाइड नहीं कराता ये प्राइस पॉइंट पे, तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रैम स्टोरेज के बारे में तो 664 से स्टार्ट होता है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया आउटपुट है, एज वेल एज यहाँ पर आपको 64MP का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, लेकिन ये ऐसा लो तो स्मार्टफोन है यहाँ पर ये लिस्ट में जो IMX686 फ्लैगशिप सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलता है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है आपको 25,000 में भी जो है ये सेंसर आज की डेट में प्रोवाइड नहीं कराता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट आपको डिटेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, साथ में 20+ और आपको एक डेप्थ सेंसर अलग से जो है सेल्फी कैमरे के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो वो भी आपको डिसेंट आउटपुट दे देता है, साथ में आयर ब्लास्टर का फीचर है, 4500mAh की बैटरी है, 27W की फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलता है, तो कुल मिला के भर भर के यहाँ पर फीचर दिए, तो डेफिनेटली अगर आपका 20,000 का बजट है हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, साथ में आपको जो है सारी चीजें मतलब परफॉर्मेंस कैमरा और बैटरी लाइफ वगैरह ओवरऑल काफी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, और सबसे बेस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो आज की डेट में 20,000 में फोन कौन सा है तो दैट इज पोको X2। तो ये गाइस मेरी यहां पर लिस्ट थी, यहां पर 5 स्मार्टफोन जो कि आज की डेट में मुझे आपको बताना था, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे भाई 20,000 का बजट है कौन सा फोन ले, तो भाई ये वीडियो देख लो आपके सारे कंफ्यूजन जो यहां पर दूर हो जाएंगे। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से 20,000 में सबसे बेस्ट डील यहां पर इसमें से कौन सा है,
कोई स्मार्टफोन मैंने मिस कर दिया हो, जो भी आपको लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।